नमस्कार प्यारे दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। और अपने इस वीडियो में बात करने वाले हैं संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान के द्वारा विभिन्न पोस्टों पर निकली हुई वैकेंसी के बारे में। तो आपको इसकी ऑफिशियल साइट की लिंक मिल जाएगी, हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक मिल जाएगी, वहाँ पर आपको PDF उपलब्ध करवा दी जाएगी। उस PDF को डाउनलोड करना है और इसकी ऑफिशियल जो भी नोटिफिकेशन है उसको देख लेना है। तो यहाँ पर हम बात करते हैं कहाँ की वैकेंसी। तो संजय गांधी पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के द्वारा ये वैकेंसी निकली है, जिसमें फार्मासिस्ट की पोस्ट है, नर्सिस की पोस्ट हैं और अन्य जो जानकारी वो भी हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर पोस्ट है मेडिकल फिजिसिस्ट की। पोस्ट ग्रेजुएशन आपकी होनी चाहिए, टोटल 3 पोस्टें दे रखी हैं। उसके बाद है ट्यूटर की पोस्टें। ट्यूटर यानी नर्सिंग, जो ट्यूटर होते हैं पढ़ाने वाले हैं उनके लिए, इसके लिए आप BSc नर्सिंग की हुई होनी चाहिए, टोटल 8 पोस्टें हैं। टेक्निकल ऑफिसर की, तो टोटल टेक्निकल ऑफिसर के लिए इसके संबंधित जो डिग्री होती है वो की हुई होनी चाहिए, टोटल 3 पोस्टें हैं। मेडिकल सोशल सर्विस, इसके लिए पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए, टोटल 11 पोस्टें हैं। उसके बाद है असिस्टेंट डाइटिशियन, इसकी बात करें तो ये PG होनी चाहिए फूड साइंस के अंदर, टोटल 6 पोस्टें हैं यहाँ पर। उसके बाद है फिजियोथेरेपिस्ट, फिजियोथेरेपिस्ट के लिए डिप्लोमा होना चाहिए इन फिजियोथेरेपी के अंदर, टोटल जो पोस्टों की हम बात करें तो 11 पोस्टें रहने वाली हैं। फार्मासिस्ट की बात करें तो डी फार्मा होनी चाहिए आपके पास और टोटल 14 यहाँ पर पोस्टें हैं। उसके बाद है हाउसकीपर की यहाँ पर डिप्लोमा इन होटल मैनेजमेंट के अंदर किया हुआ होना चाहिए, टोटल 3 पोस्टें हैं। तो इस प्रकार ये पोस्टें हैं। और उसके बाद हम बात करते हैं रिसेप्शनिस्ट की पोस्टें हैं, तो इसके लिए ग्रेजुएशन होनी चाहिए, टोटल 18 पोस्टें हैं। जूनियर इंजीनियर सिविल, इसकी टोटल 9 पोस्टें हैं। इसके लिए BTech इन सिविल इंजीनियरिंग या फिर अपने इलेक्ट्रिकल मैकेनिक इंजीनियरिंग होनी चाहिए। जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल के लिए टोटल 4 पोस्ट, इसके लिए डिग्री होनी चाहिए। जूनियर इंजीनियर एयर कंडीशनिंग विंग के लिए टोटल 2 पोस्टें हैं। जूनियर इंजीनियर मैकेनिकल के लिए टोटल 2 पोस्टें हैं। DEO, इसके लिए इंटरमीडिएट की होनी चाहिए, टोटल 14 पोस्टें हैं। उसके बाद स्टोर कीपर, तो इसके लिए कोई भी ग्रेजुएशन आपकी डिग्री होनी चाहिए, टोटल 15 पोस्टें हैं। पर्सनल असिस्टेंट की टोटल 10 पोस्टें हैं। स्टेनोग्राफर की बात करें तो स्टेनोग्राफर की टोटल 22 पोस्टें हैं। ड्राइवर की बात करें टोटल 10 पोस्टें 10वीं पास होनी चाहिए। इस प्रकार ये काफ़ी ज़्यादा पोस्टें हैं। एज लिमिट की बात करते हैं, एज लिमिट की बात करें तो मिनिमम एज 18 साल और मैक्सिमम 35 साल होनी चाहिए। हाँ, कुछ रिलैक्सेशन है जो वो यहाँ पर जो गवर्नमेंट का नियम लागू होता है उसके अनुसार आपको मिल जाएगा। यहाँ पर आपको एप्लीकेशन फ़ीस भी देनी होगी। एप्लीकेशन फ़ीस है 1180 रुपये जनरल एंड OBC के लिए और 600 रुपये फ़ीस है SC ST के लिए, ठीक है। और सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो रिटन एग्ज़ाम होगा और इंटरव्यू होगा। अब आगे बात करते हैं हम किस प्रकार आप अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले इसके ऑफिशियल साइट पर जाइए। ऑफिशियल साइट पर जाने के बाद आपको ये जो एडवर्टाइजमेंट है इस पर देखना है इसको और इस पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको रजिस्ट्रेशन करना है। जब आपका रजिस्ट्रेशन हो जाता है तो आपको लॉगिन और ID पासवर्ड जो मिलेंगे उनके द्वारा फिर से लॉगिन हो जाना है। उसके बाद आपको ऑनलाइन अप्लाई पर क्लिक करना है और जो भी आपकी डिटेल्स हैं उनको फिलअप कर देना है, जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो अपलोड कर देने हैं। और जब कंप्लीट हो जाती है आपकी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस तो उसके बाद आपको ID और पासवर्ड आपके पास रहेंगे तो उसमें आपको लॉगिन करना है फिर से और फिर से आपको यहाँ पर जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो अप्लाई करने के यानी अपलोड करने के बाद उसको सबमिट कर देना है, ठीक है। सबमिट कर दिया आपने जैसे ही, और सबमिट करने के बाद आपका फॉर्म वो फिल हो जाएगा और एप्लीकेशन की जो लिंक है वो आपको मिल जाएगी। इसका ऑफिशियल आप जो नोटिफिकेशन है वो भी डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं इम्पोर्टेंट डेट्स की। ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुकी है 25 जनवरी 2022 से। लास्ट डेट है वो सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन की, वो है 14 फरवरी 2022। 14 फरवरी 2022 तक अप्लाई कर सकते हैं। ये हमारा टेलीग्राम जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसकी लिंक है और इस पर क्लिक करके आप व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं और इसकी नोटिफिकेशन की PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतनी ही बात करने वाले हैं। वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए दबा के और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। तो दोस्तों, मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नई वैकेंसी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।